हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से मानू एडमिशन 2021 का स्लाइडिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। और सबसे पहले डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों का स्लाइडिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। उनका स्लाइडिंग के लिए ऑप्शन खोल दिया गया है पोर्टल पे, तो वो लोग जाके स्लाइडिंग कर सकते हैं। लेकिन स्लाइडिंग करने से पहले कुछ बातें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? स्लाइडिंग को लेके जो नोटिस आया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि स्टूडेंट को इस बात को नोट करके रख लेना है, एकदम ध्यान में रखना है कि उनका स्लाइडिंग तभी होगा, कैंपस स्लाइडिंग या फिर कोर्स स्लाइडिंग तभी होगा जब सीट्स अवेलेबल होंगे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अलग अलग कैंपस पे कौन से कोर्स में, पॉलिटेक्निक के अंदर कौन से कोर्स में, अलग अलग कैंपस पे कितना रैंक रहने पर आसानी से स्लाइडिंग हो जाएगा, और उससे ज़्यादा रैंक होने पर आप लोगों को मुश्किल हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा तो आप लोग आसानी से स्लाइडिंग कर सकते हैं अपने सिक्योर सीट को देखते हुए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को किस तरह स्लाइडिंग करना है ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हैदराबाद से शुरू करते हैं। हैदराबाद, ठीक है? हैदराबाद में जो कैंपस है, मानू पॉलिटेक्निक हैदराबाद तेलंगाना वाला जो कैंपस है, उसमें टोटल अलग अलग कोर्सेज में 75 75 सीट है मानू पॉलिटेक्निक के अंदर, ठीक है? तो अगर हैदराबाद में सिविल में अगर आप स्लाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका रैंक 91 या उसके अंदर होगा तो आपका स्लाइडिंग आसानी से हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ टोटल सीट्स है 75 सिविल का। उसके बाद अगर आप सीएस में स्लाइडिंग करना चाहते हैं, सीएस यानी कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, तो इसके लिए अगर आपका रैंक 132 या उससे कम है तो आसानी से हो जाएगा, और इस कोर्स में भी 75 सीट है हैदराबाद के अंदर। उसके बाद है ECE, ठीक है? तो ECE में स्लाइड करने के लिए अगर आपका रैंक 360 या उससे कम है तो आपका आसानी से स्लाइडिंग हो जाएगा हैदराबाद के अंदर, ठीक है? उसके बाद IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें अगर आपका रैंक 482 या उससे कम है तो स्लाइडिंग हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद स्लाइडिंग हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, उस कैंपस में स्लाइड करने के लिए आपका रैंक, ठीक है, एक मिनट, बेंगलुरु लिख लेते हैं। सिविल में स्लाइड करने के लिए, यानी आप अगर स्लाइड करके बेंगलोर जाना चाहते हैं और आप सिविल में जाना चाहते हैं, तो आपका रैंक अगर 308 या उससे कम होगा तो आसानी से स्लाइड हो जाएगा आपका। अगर आप सीएस में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका रैंक 440 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है, 260 में लिख रहा हूँ, यानी 60 सीट्स है यहाँ। उसके बाद अगर आप ECE में स्लाइड करना चाहते हैं और स्लाइड करके बेंगलुरु जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका रैंक 630 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका हो पाएगा वहाँ। दरभंगा स्लाइड करने के लिए अगर आप स्लाइड करके दरभंगा जाना चाहते हैं तो सिविल में आपका रैंक 144 या उससे कम है तो आसानी से आपका स्लाइडिंग दरभंगा हो जाएगा। सीएस में होने के लिए 235 या उससे कम अगर रैंक है आपका तो आसानी से सीएस में स्लाइडिंग हो जाएगा दरभंगा आपका। और दरभंगा स्लाइड करना चाहते हैं, कोर्स चाहते हैं कि ECE हो,
ठीक है, ईसीई मिल जाए तो इसके लिए आपका रैंक 326 या उससे कम रहेगा, तो आसानी से आप स्लाइड करके दरभंगा जा सकते हैं और आपको ईसीई कोर्स मिल सकता है। ये सारा जो रैंक मैं बता रहा हूँ ये आसानी से स्लाइड हो जाएगा, इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी हो सकता है कि कुछ लोगों का स्लाइड हो जाए, ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिए कि स्लाइडिंग बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, 100-100, 200-200 लोगों का स्लाइडिंग नहीं होता है। स्लाइडिंग में आपने देखा होगा पिछले साल का जो भी लिस्ट देखा होगा, स्लाइडिंग में 10-15 इस तरह से लोग होते हैं, ठीक है, 10-15-20 इस तरह से लोगों का स्लाइडिंग होता है। स्लाइडिंग 100-200-500 लोगों का नहीं होता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दो और कैंपस बच रहा है, उसको हम लोग देखेंगे, इसको पहले मिटा देता हूँ। अगर आप स्लाइड करके कडप्पा जाना चाहते हैं, ठीक है, कडप्पा जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कोर्स सिविल मिल जाए, तो आसानी से आपका स्लाइडिंग हो जाएगा अगर आपका रैंक 532 या उससे कम है, तो आपका स्लाइड भी हो जाएगा कडप्पा और सिविल मिल जाएगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स लेना चाहते हैं कडप्पा में, ठीक है, स्लाइड करके कडप्पा जाएंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, तो आपका रैंक 678 या उससे कम होगा, तो आसानी से आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा कडप्पा के अंदर, ठीक है। और ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें जाने के लिए कडप्पा में आपका रैंक अगर 126, ठीक है, या उससे कम होगा, तो आसानी से आपका कडप्पा स्लाइड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ट्रिपल ई वाला ब्रांच, ठीक है। कटक स्लाइड करके जाना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपको कटक में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाए, तो अगर आपका रैंक 555 या उससे कम है, तो आपको आसानी से यहाँ यानी कटक में सिविल मिल जाएगा। अगर आप ME यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं कटक के अंदर स्लाइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कटक में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाए, तो अगर आपका रैंक 763 या उससे कम है, तो आपको कटक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये लेना चाहते हैं, तो आपका रैंक अगर 741 या उससे कम है, तो कटक के अंदर आपको ट्रिपल ई मिल जाएगा और आप स्लाइड करके कटक जा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग कैंपस पे मैंने बता दिया कि इतना रैंक है, तो आप लोग आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि आप लोग स्लाइडिंग करते वक्त जो है सो अपना ध्यान रखिएगा और सही तरीके से स्लाइडिंग कीजिएगा, क्योंकि स्लाइडिंग में आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन चुनना है और एक ही ब्रांच चुनना है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि हैदराबाद नहीं मिला तो दरभंगा, दरभंगा नहीं मिला तो बेंगलुरु, ऐसा नहीं होगा। एक ही आप लोगों को कैंपस चुनना होगा और एक ही ब्रांच यानी कोर्स चुनना होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्लाइडिंग किस तरह से करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल के और यहाँ मानो COE लिखेंगे और सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ये आएगा, यहाँ मानो COE पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये खुल के आपके सामने साइट खुल जाएगा, यहाँ आप लोग लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपका प्रोफाइल खुल जाएगा यहाँ, और डैशबोर्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, और यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है स्लाइडिंग फॉर डिप्लोमा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद इस तरह से सारा जो है सो डिटेल आपके सामने आ जाएगा, तो इसको हम लोग पहले जो है लैपटॉप डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेस्कटॉप मोड पे हम लोग ले आए हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आपके सामने है सिलेक्ट प्रेफरेंस फॉर, उसके बाद
सिलेक्ट कोर्स, तो सिलेक्ट प्रेफरेंस में हम लोग क्लिक करके प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। तो जिस तरह से कैंपस सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद हम लोग कोर्स सिलेक्ट करेंगे। कोर्स भी हमने सिलेक्ट कर लिया है, आप लोग अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद मैंने अभी सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है। अब ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और ये हो गया अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप लोग स्लाइडिंग ऑप्शन चुन लेंगे। यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ गया कि डाउनलोड अपडेटेड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ 17 नंबर पे एक नया आ गया कैंपस का प्रेफरेंस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और यहाँ आ गया दरभंगा। तो इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना स्लाइडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से स्लाइडिंग कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।